किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज 20वां दिन है और जहां पर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर समेत दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे को भी किसानों ने ब्लॉक किया हुआ है। ये हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के पास शाहजहानपुर गांव के पास में किसान धरने पर बैठे हुए हैं लगातार 3 दिनों से, और लगातार किसानों का प्रोटेस्ट देश के अन्य हिस्सों में भी जारी है। अलग अलग जगहों से किसानों के प्रोटेस्ट की लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन सब के बीच में किसानों और सरकार के बीच में आखिरी बार बातचीत 8 दिसंबर को हुई थी, जब गृह मंत्री अमित शाह किसानों से मिले थे। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है, जहां पर अभी सरकार का कहना है कि उन्होंने अमेंडमेंट्स सुझाए हैं और वो किसानों के साथ बातचीत करके क्या अमेंडमेंट्स हो सकते हैं इस कानून में उसके ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं। वहीं पर किसानों की मांग है कि जो बिल हैं इन्हें रद्द किया जाए और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल सरकार ला रही है उसको नहीं लाया जाए। अभी किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की तरफ से बातचीत के कोई ऑफर्स नहीं आए हैं और इस तरह के कोई संकेत नहीं आए हैं सरकार की तरफ से कि आगे बातचीत बढ़ाई जानी चाहिए। जहां पर एक तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, 14 दिसंबर के बाद से इस आंदोलन को और तेज़ करने की कॉल दी गई थी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं पर फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।